स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ विश्व भारती शिक्षा सदन। वी हैव लर्नड अबाउट प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, पास्ट इनडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टुडे we shall learn about present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future perfect continuous tense। present perfect continuous tense की हिंदी होती है पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल। past perfect continuous tense की हिंदी होती है पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भूतकाल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी होती है पूर्ण अपूर्ण मिश्रित भविष्यकाल। अब हम लोग पहचान की तरफ चलते हैं। जिस हिंदी क्रियाओं के अंत में आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं, आ रहा हूं, आ रहे हो, लगा हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं, आ रहा हूं, आ रहे हो के साथ में समय और से भी लगा रहता है और नहीं भी लगा रहता है। दूसरे तरह से इसकी पहचान है कि जिस हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, अगर लगा हो तो उस वाक्य में समय और से जरूर लगा होना चाहिए, तभी वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। नहीं तो समय और से न रहने पर वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, और सुबह और से इसमें से हटा दें तो ये वाक्य हो जाएगा मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैं पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। अगर इसमें सुबह और से जोड़ दिए, सुबह यानी समय है, से यानी प्रीपोजिशन है, अगर इनको जोड़ दिए तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। बहुत से बच्चे ये खोजने लगते हैं कि मैं पढ़ाते आ रहा हूं, वह खेलती आ रही है, वे लोग काम करते आ रहे हैं, सिर्फ आ रहा है, आ रही, आ रहे हैं, रहेगा तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। नहीं, इस तरह की गलती कभी नहीं करनी है। आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं, आ रहा हूं, आ रहे हो वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा, बट अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो और समय और से लगा रहे तो वो वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होगा। अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य की तरफ। जिस हिंदी क्रियाओं के अंत में आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे, लगा हो तो समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य। इसके साथ आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे के साथ में समय और से भी मिलेगा तो वो वाक्य भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही होगा। दूसरे तरह से हम समझ सकते हैं कि जिस हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय और से लगा हो तो समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अगर रहा था, रही थी, रहे थे के बाद समय और से ना हो तो समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से पढ़ा रहा था, इसमें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि सुबह और से है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा।
लेकिन इसमें सुबह और से हटा दें तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। ये बहुत माइनर डिफरेंस है, यहां पर इन चीजों को ध्यान रखना है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे के साथ अगर समय और से हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो जाएगा। उसी तरह रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो के साथ समय और से लगा रहे तो हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। जिस हिंदी क्रियाओं के अंत में हुआ, रहेगा, हुई, रहेगी, हुए, रहेंगे और समय और से लगा हो तो समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जैसे वह 10 दिनों से इस काम को करती हुई रहेगी, यानी आने वाले समय में काम शुरू होगा और कुछ समय तक चलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को दूसरे तरह से आप समझ सकते हैं कि जो काम बहुत पहले शुरू हो करके और अभी भी जारी है, उस टेंस के वाक्य को, यानी उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। जैसे मैं 30 वर्ष से पढ़ाते आ रहा हूं, यानी पढ़ाने का काम 30 वर्ष पहले शुरू हुआ है और अभी भी जारी है, वैसे वाक्य को ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। यानी जो काम बहुत पहले शुरू हो करके और वर्तमान में अभी भी जारी हो, उसी तरह हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य की तरफ। जो काम बहुत पहले शुरू होकर भूतकाल में कुछ समय तक जारी था, वैसे वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। जैसे मैं 10 वर्षों से इस काम को करते आ रहा था, यानी 10 वर्ष पहले काम शुरू किए थे और भूतकाल में ये काम समाप्त हो चुका है, अब ये काम जारी नहीं है, वैसे वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं। फ्यूचर में ठीक उसी तरह आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को समझने के लिए ध्यान देना होगा हिंदी वाक्य पर कि मैं इस काम को करते हुए रहूंगा, यानी आने वाले समय में ये काम शुरू होगा और उस समय तक जारी रहेगा। अब चलते हैं एक्जिलेरी की तरफ। एक्जिलेरी वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 2 एक्जिलेरी हैज बीन और हैव बीन, वर्ब 4 है। ध्यान रखना है कि हैज बीन और हैव बीन के बाद अगर वर्ब 4 आए तो समझ जाना होगा कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन हैज बीन और हैव बीन के बाद अगर वर्ब 3 आ जाए तो ये समझने वाली बात होगी कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य की तरफ चलते हैं। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ चलते हैं। इसमें 1 एक्जिलेरी हैड बीन, हैड बीन के बाद वर्ब 4 है। हैड बीन के बाद अगर वर्ब 3 आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। इसमें 2 एक्जिलेरी वर्ब shall, have been, will, have been, इसके बाद वर्ब 4 है। अगर shall, have been और will, have been के बाद वर्ब 3 हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म हो जाएगा। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि has been और have been के बाद वर्ब 4 होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव फॉर्म हो जाएगा। अगर वर्ब 3 होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह
हैड बीन के बाद अगर वर्ब फोर है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव फॉर्म हो जाएगा। अगर वर्ब थ्री है फोर की जगह तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। शैल हैव बीन के बाद अगर वर्ब फोर हो या विल हैव बीन के बाद वर्ब फोर हो तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव फॉर्म होगा। अगर यहाँ वर्ब थ्री हो जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म हो जाएगा। अब चलते हैं हम पैटर्न की तरफ। अफर्मेटिव जिसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव बीन MV4 ऑब्जेक्ट सिंस या फोर और टाइम को रखते हैं। ठीक उसी तरह सब्जेक्ट के बाद हैड बीन MV4 ऑब्जेक्ट सिंस या फोर तब टाइम को रखते हैं। ठीक उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैटर्न की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन MV4 ऑब्जेक्ट, अब यहाँ सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तब टाइम को रखते हैं। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यू हैव बीन रीडिंग इंग्लिश ऑनलाइन फॉर 10 डेज, आप 10 दिनों से ऑनलाइन अंग्रेजी पढ़ते आ रहे हैं। इसकी हिंदी हो जाएगी यू हैड बीन रीडिंग इंग्लिश ऑनलाइन फॉर 10 डेज, आप 10 दिनों से ऑनलाइन अंग्रेजी पढ़ते आ रहे थे। अब इसकी हिंदी होगी यू विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश ऑनलाइन फॉर 10 डेज, आप 10 दिनों से अंग्रेजी ऑनलाइन पढ़ते हुए रहेंगे। चलते हैं निगेटिव पैटर्न की तरफ। एक्जिलरी के साथ नॉट जोड़ने पर वाक्य निगेटिव हो जाता है। मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि एक्जिलरी के बाद नॉट को अगर हटा कर रखते हैं तो फुल फॉर्म में रहता है। अगर नॉट को सटाना है तो नॉट का शॉर्ट फॉर्म NAPT हो जाएगा, जैसे हजेंट हो जाएगा, हैवेंट हो जाएगा। अब देखते हैं सब्जेक्ट हैज हैव नॉट तब बीन को रखा गया है MV4 ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैटर्न की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट हैड नॉट बीन MV4 ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैटर्न की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट शैल विल नॉट हैव बीन MV4 ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोर प्लस टाइम। यहाँ निश्चित समय के पहले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, बाकी इन दोनों टेंसों में निश्चित समय के पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। यह ध्यान रखने वाली बात होगी। अब चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ। यू हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश ऑनलाइन फॉर 10 डेज, आप 10 दिनों से ऑनलाइन अंग्रेजी नहीं पढ़ते आ रहे हैं। इसकी हिंदी हो जाएगी यू हैड नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश ऑनलाइन फॉर 10 डेज, आप 10 दिनों से ऑनलाइन अंग्रेजी नहीं पढ़ते आ रहे थे। इसकी हिंदी होगी आप 10 दिनों से ऑनलाइन अंग्रेजी नहीं पढ़ते हुए रहेंगे। इंट्रोगेटिव पैटर्न की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले एक्जिलरी को रखेंगे, वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाएगा। ये पैटर्न को देखें बारीकी से। पिछले वीडियो में जो पैटर्न जिस तरह से बताया गया है प्रत्येक वीडियो में, सेम वही रूल्स फॉलो करना है। सिर्फ एक्जिलरी बदलते जाना है और मेन वर्ब के फॉर्म बदलते जाएंगे, बाकी सारा जो सब्जेक्ट का जहाँ स्थान है, ऑब्जेक्ट का जहाँ स्थान है, मेन वर्ब का जहाँ स्थान है वही है। अब देखें हैज है सब्जेक्ट बीन MV4 ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हैव यू बीन रीडिंग इंग्लिश ऑनलाइन फॉर 10 डेज, क्या आप 10 दिनों से अंग्रेजी
ऑनलाइन पढ़ते आ रहे हैं, इसमें देखेंगे क्या आप ऑनलाइन अंग्रेजी 10 दिनों से पढ़ते आ रहे थे, इसकी हिंदी हो जाएगी। क्या आप 10 दिनों से ऑनलाइन अंग्रेजी पढ़ते हुए रहेंगे, निगेटिव ऑफ इंटोगेटिव, यानी इंटोगेटिव का निगेटिव। सब हैज हैव सब्जेक्ट तब नॉट को रखा गया है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि नॉट अगर यहाँ नहीं रखना चाहते हैं तो इसको हैजेंट कर सकते हैं, इसको हैवेंट कर सकते हैं, इसको हैडेंट कर सकते हैं, इसको सांट कर सकते हैं, इसको वांट कर सकते हैं, आप मिलाते जाएं। देखिए हैज हैव की जगह यहाँ हैड है, यहाँ सेल विल है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, देखते जाएं सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट है, नॉट की जगह नॉट है, नॉट की जगह नॉट है, बीन जहां है नॉट के बाद है तो इसमें भी नॉट के बाद है, इसमें भी नॉट के बाद हैव बीन है। अब इसमें देखें बीन के बाद एमबी फोर है, तब ऑब्जेक्ट है सिंस फोर टाइम है, यहाँ बीन के बाद एमबी फोर है, ऑब्जेक्ट सिंस फोर टाइम, यहाँ हैव बीन के बाद एमबी फोर, ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोर टाइम। अब चलते हैं, हैव यू नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश ऑनलाइन फॉर 10 डेज, क्या आप ऑनलाइन अंग्रेजी 10 दिनों से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, क्या आप ऑनलाइन अंग्रेजी 10 दिनों से नहीं पढ़ते आ रहे थे, क्या आप ऑनलाइन अंग्रेजी 10 दिनों से नहीं पढ़ते हुए रहेंगे। अब चलते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन की तरफ। मैं पहले इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि एक्जिलरी के पहले डब्ल्यू एच जोड़ देने से डब्ल्यू एच क्वेश्चन बन जाता है, यानी यस नो क्वेश्चन के पैटर्न के पहले। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक यस नो क्वेश्चन का पैटर्न है, इनके पहले डब्ल्यू एच जोड़ देने से डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैटर्न हो जाएगा। इसमें भी यहां से लेकर यहां तक यस नो क्वेश्चन का पैटर्न है, इनके पहले डब्ल्यू एच जोड़ देने से डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैटर्न हो जाएगा। यहाँ भी देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक पैटर्न जो है वो यस नो क्वेश्चन का पैटर्न है, इसके पहले अगर हम ये डब्ल्यू एच जोड़ देते हैं तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन का पैटर्न हो जाएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, वाई हैव यू बीन रीडिंग इंग्लिश ऑनलाइन फॉर 10 डेज, आप 10 दिनों से ऑनलाइन अंग्रेजी क्यों पढ़ते आ रहे हैं, आप 10 दिनों से ऑनलाइन अंग्रेजी क्यों पढ़ते आ रहे थे, आप 10 दिनों से ऑनलाइन अंग्रेजी क्यों पढ़ते हुए रहेंगे। अब निगेटिव ऑफ डब्ल्यू एच क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन के निगेटिव की तरफ चलते हैं। डब्ल्यू एच के बाद हैज हैव है, सब्जेक्ट है नॉट है, बीन है, एम बी फोर है, ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसी तरह सेम देखिए, ये डब्ल्यू एच है, हैड है, सब्जेक्ट नॉट बीन, पैटर्न आप मिलाएंगे तो एकदम मिलता जाएगा एक दूसरे से, सिर्फ एक्जिलरी का डिफरेंस आएगा, मेन वर्ब का डिफरेंस आएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश ऑनलाइन फॉर 10 डेज, आप 10 दिनों से ऑनलाइन अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते आ रहे हैं, इसकी हिंदी होगी आप 10 दिनों से ऑनलाइन अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते आ रहे थे, इसकी हिंदी हो जाएगी आप 10 दिनों से ऑनलाइन अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ते हुए रहेंगे। अब नोट की तरफ चलते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम जिसकी हिंदी होती है निश्चित समय, निश्चित समय अगर हो तो उसके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय का मतलब हो गया जैसे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, 1982 से, 83 से, 84 से, 2019 से, 20 से, ये निश्चित समय, 2 बजे से, 4 बजे से, 3 बजे से, ये निश्चित समय जिसको हम इंग्लिश में पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, निश्चित समय के पहले सिंस। अ पीरियड ऑफ टाइम
जिसको अनिश्चित समय बोलते हैं, जैसे 2 घंटा से 4 घंटा से 10 वर्षों से 2 महीनों से 4 दिनों से 5 दिनों से, ये अनिश्चित समय हो जाता है। सेम यही रूल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अप्लाई होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर का प्रयोग करते हैं, बट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये रूल चेंज हो जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के पहले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। अब सिंस हो या फॉर हो या फ्रॉम हो, ये प्रीपोजिशन है जिनकी हिंदी होती है से, ये समय के साथ लगे होते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, 1980 से, 82 से, 83 से, 2018 से, 4 बजे से, 3 बजे से, 2 बजे से, ये पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय। पीरियड ऑफ टाइम में हम बोलेंगे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 2 माह से, 10 वर्षों से, इत्यादि। आशा है आप लोग टेंस के बारे में पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप करें, कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप करें, सॉल्यूशन हम तुरंत भेजेंगे। सभी टेंसों का पीडीएफ आप लोगों को मैं भेजूंगा, जिसमें आप लोगों को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पीडीएफ भेज चुका हूं। अब इसके कंटेंट्स का पीडीएफ भेजूंगा। थैंक यू। मोर इन नेक्स्ट वीडियो।